हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ सर्वे चैनल। दिस इज स्पेशल क्लास फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज इंटीग्रल इक्वेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन, जो कि अगर हम बात करें सीएसआई या नीट एंड गेट के रिस्पेक्ट में, तो ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज स्टार्ट करने से पहले, जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन। अरे तो पहले हम कुछ इंटीग्रल इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो हमें समझनी है। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन? जैसे हम पढ़ते कैलकुलस के अंदर, देयर टू पार्ट इन अ कैलकुलस। मेनली हम कह सकते हैं, एक तो इंटीग्रल कैलकुलस होता है और एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, और एक लिमिट होता है, बट लिमिट को हम इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। नाउ अब इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस से एक टर्म्स निकल के आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे ही इंटीग्रल इक्वेशन ऐसा होता है जिसके अंदर इंटीग्रल साइन इन्वॉल्व होती है। तो आप देख रहे हो, इस इक्वेशन के अंदर एक इंटीग्रल साइन है, और इक्वेशन अंडर अ इंटीग्रल साइन इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रल इक्वेशन। तो कोई अननोन फंक्शन अगर किसी इंटीग्रल साइन के अंडर में आ रही है, तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रल इक्वेशन का। अब इसमें समझना है, हमें कुछ डेफिनेशंस को समझनी है जो कि हम समझते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के इंटीग्रल इक्वेशन होते हैं, एक होता है फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन और एक होता है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अब वो डिपेंड करती है हमारे लिमिट पे। अगर ये सपोज फंक्शन है, किसका जो अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट है, अगर वो एक वेरिएबल है, या फिर एक्स और वाई, एक्स या फिर कोई, अगर ये वेरिएबल है तो हम इसे कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। और अगर ये कांस्टेंट हो तो हम उसे कहते हैं फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो अब ये एक तो लिमिट पे डिपेंड करता है कि अगर जो ये इंटीग्रेशन के लिमिट है अगर वो कांस्टेंट है तो उसे हम फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे, अगर ये एक वेरिएबल है तो उसे हम कहेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अब यहां पे और एक टर्म आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट काइंड क्या होती है, सेकेंड काइंड क्या होता है और थर्ड काइंड क्या होता है। तो फर्स्ट काइंड ये होता है कि अगर सपोज यहां पे u ऑफ x के साथ में एक टर्म आ जाती है h ऑफ x, ठीक है। अब अगर ये h ऑफ x की वैल्यू जीरो है, यानी कि ये पूरा टर्म अगर जीरो हो जाए, तो हम कहते हैं वो फर्स्ट काइंड है। कब? जब ये h ऑफ x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर सपोज h ऑफ x की वैल्यू नॉन जीरो है, तो उसे हम कहते हैं सेकेंड काइंड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आता है होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। अब ये जो f ऑफ x दिख रहा है ना, अगर ये f ऑफ x की वैल्यू जीरो तो होमोजीनियस, अगर ये f ऑफ x की वैल्यू नॉन जीरो तो उसे हम नॉन होमोजीनियस। तो अब इससे लिमिट से आइडेंटिफाई करते हैं कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है या फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन तब होगा जब ये एक वेरिएबल होगी, अगर कॉन्स्टेंट है तो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। यहां से h ऑफ x की वैल्यू अगर जीरो है तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट काइंड, अगर नॉन जीरो है तो सेकेंड काइंड, अगर ये f ऑफ x जीरो है तो होमोजीनियस, और नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस। तो ये हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन अबाउट अ इंटीग्रल इक्वेशन। अब यहां पे हमें कुछ फॉर्मूले देखने हैं कि अगर सपोज हमारे पास एक इंटीग्रल इक्वेशन है ए टू एक्स और ए टू एक्स टू एफ ऑफ एक्स वन डी एक्स वन डी एक्स टू, तो इसका इंटीग्रल इक्वेशन ये होता, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो ये आपको याद करना है क्योंकि ये सब हमें यूज करने हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही लेबनिट्स रूल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये अगर जो जैम के स्टूडेंट है
तो आईआईटी जैम में इससे रिलेटेड हर साल एवरी ईयर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल लेबनिट्स रूल का, तो उसमें तो इतना भी हार्ड नहीं होता, इससे भी सिंपल आता है, या फिर हम उसे कह सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो लेबनिट्स रूल आईआईटी जैम में एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो इसमें रहते ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट अब इसमें हमें समझना है रिजॉल्वेंट कर्नल कैसे फाइंड करते हैं। अब ये देखो ये जो के एक्स जाए है ना, इसे हम कहते हैं के एक्स जाए को कहते हैं कर्नल, इस इंटीग्रल इक्वेशन का कर्नल। और कर्नल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम सपोज एमएससी में पढ़ते हैं, जब हम फूरियर सीरीज पढ़ते हैं तो फूरियर सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कर्नल, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है तो वो सारे कर्नल्स पे ही डिपेंड करते हैं। या फिर जब हम पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ते हैं पीडीई, तो वहां पे भी जब हम हीट इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहां पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कर्नल। तो कर्नल एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कहीं इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वो वन आती है, कर्नल हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, तो ये सारी प्रॉपर्टी है कर्नल की। तो कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि नेट में डायरेक्टली इसके थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि उसके कर्नल्स पे डिपेंड करते हैं। तो बट यहां पे हमें समझना है कि कौन सी ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिसका यूज करके हम आइटरेटेड कर्नल फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आइटरेटेड कर्नल, मतलब रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड कर सकते हैं अगर वो आइटरेटेड कर्नल है। अब आइटरेटेड कर्नल का मतलब, आइटरेटेड का मतलब ही होता है k1 k2 k3 इस तरीके से, जैसे कि अगर k1 की वैल्यू के एक्स आई के इक्वल है तो के एन प्लस वन का ये फॉर्मूला होता है कि के एक्स टी इंटू के एन टी जाए, मतलब एक टर्म पीछे का कर्नल इंटू जो हमारे पास गिवन कर्नल होगी। तो यहां पे जो के एन होता है इसे हम कहते हैं आइटरेटेड कर्नल। और उसके बाद ऐसे जितने भी आइटरेटेड कर्नल होंगे उन सारे आइटरेटेड कर्नल का हमें क्या करना होता है, सम फाइंड करना होता है, और उसे हम कहते हैं रिजॉल्वेंट कर्नल। देखो ये तो सारे हमारे पास k1 k2 k3 k4, तो अगर उसी का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो रिजॉल्वेंट कर्नल को हम डिनोट करते हैं एक्स, और यहां पे ये आइगन वैल्यू है जब हम इंटीग्रेट, ये देखो ये हमारे पास लैम्डा, ये हमारे पास ये आइगन वैल्यू हो जाएगी इस कर्नल की। तो ये एक्स जाए ये हमारे पास हो जाता है k1 प्लस लैम्डा k2 सॉल्व अप टू लैम्डा रेस टू एन माइनस वन के एन सॉल्व अप टू, अब इनका समीशन, तो देयर फॉर सिंपल हम ये सोचते हैं कि लैम्डा रेस टू एम माइनस वन के एम, एम इज गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास है रिजॉल्वेंट कर्नल का फॉर्मूला। बट हमें हमेशा ये नहीं यूज करना है, अगर सपोज के एन वन एक्स आई की वैल्यू के एक्स आई के इक्वल होती है तो हमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक, बाय यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट द रिजॉल्वेंट कर्नल विद इन 2 सेकेंड। तो ऑलरेडी मैं वो डिस्कस कर चुका हूं, तो क्योंकि आज हम स्पेशली इंटीग्रल इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। जितने भी क्वेश्चन रिजॉल्वेंट कर्नल से रिलेटेड पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिजॉल्वेंट कर्नल की जो ट्रिक का यूज करके रिजॉल्वेंट कर्नल हम विद इन 5 to 10 सेकेंड के अंदर, हाँ बोल सकते हैं कि 5 to 10 सेकेंड के अंदर भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको 3-4 फॉर्मूले याद करने उसके बाद आपको आदत हो जाएगी कि हाँ अगर कोई अगर कर्नल दिया है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होगा। तो फॉर्मूला ये है कि अगर सपोज k1 एक्स जाए अगर ये इक्वल हो जाए के एक्स जाए, अगर सपोज ये इक्वल है तो देन जो रिजॉल्वेंट कर्नल होगा एक्स लैम्डा एक्स जाय लैम्डा इज इक्वल टू कर्नल एक्स जाय
ई रेस टू लैम्ब्रा एक्स माइनस है। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना और इस फॉर्मूला का यूज करके हम वो सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट करेंगे जो कि आईआईटी अरे जो कि सीएसआई या नेट में और गेट में पूछे गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर यह है कि फॉर द वोल्टेरा इन टाइप का एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। तो अब ध्यान दो, वहां पे इंटीग्रल इक्वेशन ही क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट है। तो क्वेश्चन में आपको एक इंटीग्रल इक्वेशन दिया होगा जिसका कर्नल गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास कर्नल गिवन है तो उसका रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड करना, और रिजोल्वेंट कर्नल के लिए सिर्फ हमें कर्नल की ही जरूरत पड़ती है, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन ही निकालना है। सिर्फ क्या निकालना है, रिजोल्वेंट कर्नल निकालना है। तो अब इसका रिजोल्वेंट कर्नल क्या होगा, अगर मैं x माइनस y की बात करता हूं, यानी कि मेरे पास जो के एक्स y है वो आ रहा है e रेस टू x माइनस y। तो ठीक है, अब x माइनस y की वैल्यू है e रेस टू x माइनस y, ये हमारे पास कर्नल है। आप क्या निकालते हैं, के वन एक्स जाए तो ये हो जाएगा e रेस टू, ये हम निकालते हैं कैसे, के एक्स टी और के टी जाए। ठीक है, अब यहां पे जब के एक्स टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास यानी कि जो जाए है वो रिप्लेस हो जाएगा टी से, तो यहां पे जाए वैसे रहेगा, एक्स रिप्लेस हो जाएगा टी से, तो टी माइनस जाए। तो यहां से ये कैंसिल, यानी कि ये आ जा रहा है e रेस टू x माइनस y, बट e रेस टू x माइनस y किसके इक्वल है, तो यहां पे जो k1 x y इक्वल आ रहा है k x y। तो देयर फोर इसके लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला देखा था कि जो रिजोल्वेंट कर्नल होगी x y लैम्डा इज इक्वल टू जो भी कर्नल है, तो कर्नल क्या है हमारे पास, e रेस टू x माइनस y इंटू e रेस टू लैम्डा एक्स माइनस जेड। बट यहां पे जो हमें लैम्बडा गिवन है, जो भी इंटीग्रल इक्वेशन है वहां पे जो भी लैम्बडा के प्लेस पे क्या है, वन। तो अगर यहां पे हम वन, अरे लैम्बडा के प्लेस पे आई थिंक टू है, टू पे निकालना है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम टू पुट करेंगे तो टू एक्स प्लस वन एक्स कितना हो जाएगा, ई रेस टू थ्री एक्स, ये जाए और ये माइनस टू जाए कितना हो जाएगा, थ्री रेस टू जाए। तो देयर फोर थ्री कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस जेड। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी कर्नल का रिजोल्वेंट कर्नल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ई रेस टू थ्री एक्स माइनस जेड आंसर हो जाए। तो चेक करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो देयरफोर जो ऑप्शन नंबर है सी राइट हो जाएगा, बाकी ए बी सी डी रॉन्ग। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर टू में लैम्ब्रा की वैल्यू क्या है, लैम्ब्रा की वैल्यू लैम्ब्रा गिवन है और यहां पे जो कर्नल है वो वन है। तो वन तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो मतलब उस पर जब कर्नल अप्लाई करेंगे तो वन ही रहेगा, यानी कि के वन एक्स आई की वैल्यू फिर से किसके इक्वल आ जाएगी, के एक्स आई के इक्वल। मतलब ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास जो के एक्स आई है वो कितना है, वन। तो देयर फोर जो के वन एक्स आई होगा वो भी कितना हो जाएगा, वन। तो देयर फोर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिजोल्वेंट कर्नल निकल के आएगी वो हो जाएगा कर्नल के प्लेस पे वन और लैम्ब्रा इंटू एक्स माइनस से, ये हमारे पास आंसर हो गया। बट यहां पे ये जाए नहीं बल्कि किसके टर्म में, टी। तो देयर फोर जो हमारे पास आंसर होगा वो ई रेस टू लैम्ब्रा एक्स माइनस टी। तो ये सिंपल, अब ये बताओ इसमें कितना टाइम लग रहा है, इतना करने की जरूरत नहीं है, देख के समझ में आ रहा है कि इसका रिजोल्वेंट कर्नल ई रेस टू लैम्ब्रा एक्स माइनस टी होगा। तो जितनी स्पीड से आप कैलकुलेशन कर सकते उतना उतना आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। और ये कुछ चार या पांच ही क्वेश्चन है जो कि रिजोल्वेंट कर्नल पर डायरेक्ट पूछे जाते हैं एवरी ईयर। ठीक है, अब बाकी जो क्वेश्चन है ना वो हार्ड क्वेश्चन है,
जो कि कैलकुलेशन में आपको बहुत टाइम वेस्ट होंगे, तो वैसे क्वेश्चंस को आपको एलिमिनेट, आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। तो अगर जैसे कि इंटीग्रल इक्वेशन में अगर रिजोल्वेंट कर्नल के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप करना, सॉल्यूशंस के कुछ सिंपल जो कि डायरेक्टली डेफिनेशन बेस पे आ रहे हैं, जो हमने फॉर्मूले देखे तो आपको करना है। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि वो काफी लेंदी होते हैं और काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 353। अब यहां पे देखो लैम्बडा के प्लेस पे कुछ नहीं है, यानी कि हमारी आइगेन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये हमारे पास क्या हो गया, ई रेस टू टी माइनस एक्स है। अब यहां पे ध्यान देना है, ई रेस टू एक्स माइनस टी नहीं है, क्योंकि ई रेस टू एक्स माइनस टी के लिए हमारा रिजोल्वेंट कर्नल क्या था, सेम था। मतलब यहां पे चेंज हो गया, इसके हमें चेक करना होगा। तो चेक करते हैं, हमारे पास जो कर्नल है ई रेस टू टी के टर्म्स में, तो टी के टर्म्स में अब ये हमारे पास टी माइनस एक्स है, ठीक है, ये टी माइनस एक्स है। तो अब इसका क्या फाइंड करेंगे, के वन एक्स टी इज इक्वल टू के एक्स, सपोज यहां पे हम जाय ले लेते हैं और ये जाय टी, तो देयर फॉर इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, टी माइनस जाय ई रेस टू ये जाय माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगर ये कैंसिल करेंगे तो यहां पे ये ई रेस टू टी माइनस एक्स आ रहा है, यानी कि सेम आ रहा है। तो देयर फोर इसका जो रिजोल्वेंट कर्नल होगा वो हो जाएगा टी लैम्बडा, बट लैम्बडा के प्लेस पे क्या लिखना है, 1। तो देयर फोर यहां पे कर्नल, तो कर्नल क्या हो जाएगा, ई रेस टू टी माइनस एक्स ई रेस टू लैम्बडा के प्लेस पे 1 और टी माइनस एक्स। तो यहां से, अरे कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ, तो ये हमारा फॉर्मूला ही होता है कि ई रेस टू लैम्बडा ये हमेशा एक्स माइनस टी होता है, ठीक है। तो लैम्बडा के प्लेस पे तो 1 है, तो ई रेस टू टी माइनस एक्स ई रेस टू एक्स माइनस टी, तो यहां से एक्स एक्स कैंसिल, टी टी कैंसिल हो जाएगा ई रेस टू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ई रेस टू 0, और ई रेस टू 0 कितना होता है, 1, यानी कि इसका कर्नल कितना, इसका रिजल्टेंट कर्नल कितना हो जाएगा, 1। तो देयर फोर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड करना है ई रेस टू टी माइनस एक्स का। तो क्लियरली यहां पे अब ये गेट 2009 का क्वेश्चन है, सेम इसी के तरीके से यहां पे ई रेस टू टी माइनस एक्स है, मतलब फिर से वो रिजोल्वेंट कर्नल सेम होगा। तो देयरफॉर इसका भी आंसर क्या होगा, 1, क्योंकि लैम्ब्रा की वैल्यू 1 है। तो गेट के क्वेश्चन और ये जून 2018 क्वेश्चन, सिर्फ यहां पे फंक्शन वगैरह चेंज किया है, बट कर्नल सेम होने की वजह से इसका जो रिजोल्वेंट कर्नल है वो भी सेम हो रहा है। तो आपको अगर रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड करना है तो आपको सिर्फ उसके कर्नल पे ध्यान देना है। अगर वो आइटरेटेड कर्नल है, वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके उसका रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 355 में आपको ये सॉल्व करना है बाय यूजिंग अ फॉर्मूला, यानी आपको पहले K1 निकालना है, K2 निकालना है, फिर KN निकालना है, और वो सबका सम करना। तो ये आपको होमवर्क के लिए रहेगा, यानी कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहां पे, आपको ऐसे K1 निकालना है, यहां पे K1 KN+1 का ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज करके आपको सारे कर्नल निकालने हैं, और फिर लैम्बडा प्लस, अरे K1 प्लस लैम्बडा इंटू K2 प्लस लैम्बडा स्क्वायर इंटू K3, इस तरीके से आपको सब निकाल के उसका सम करना। तो ये आपको होमवर्क के लिए रहेगा, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, अगर वो इजी है तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी क्या करने, स्किप करने। अगर डायरेक्ट ट्रिक के, अगर ट्रिक के आ, ट्रिक का यूज करके आ रहा है तो आप यूज करना, वरना उसे अगर स्किप कर सकते, अगर आपके पास टाइम है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज उसको स्किप कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 356। अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 356 में फिर से रिजोल्वेंट कर्नल पूछ रहा है किस पॉइंट पे, 1 पे, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू 1 है और रिजोल्वेंट कर्नल फिर से क्या आ रहा है, 1।
अब यहां पे ध्यान दो, ये किसके लिए है? यहां पे ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के लिए है, ये किसके? फ्रेड होल्म इंटीग्रल इक्वेशन के लिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आइटरेटिव इंटीग्रल का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास K1 जो है, सपोज T के टर्म्स में लेते हैं, K तो हमारे पास जो गिवन है कर्नल KXT वो कितना गिवन है? 1, ये हमारे पास गिवन है। तो देयर फोर अगर हम सपोज K1XT फाइंड करेंगे तो इंटीग्रल जो हमारा वो 0 से लेके हाफ तक जा रहा है। तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0 K1 x, सपोज यहां पे कोई y ले लेते हैं, तो देयर फोर KX और यहां पे y t इज इक्वल टू dy। अब ध्यान दीजिए, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो देयर फोर ये सिंपल क्या आ जाएगा, यहां पे सिर्फ हाफ हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब हम K2 निकालेंगे तो K2 में 0 से लेके हाफ तक, अब यहां पे ये टर्म तो मेरा हमेशा 1 ही रहेगा, अब यहां पे ये हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ dy, तो देयर फोर ये हाफ के स्क्वायर। तो यानी कि इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल हमारे पास समेशन r इज गोइंग फ्रॉम, मतलब 1/2r, जहां पे r की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, ये r-1 0 से लेके इनफिनिटी तक जाएगी। हमारा पहला टर्म कहां से स्टार्ट हो रहा था, 1/2 से ना, तो 1/2 यहां पे ये 1 ले लेंगे और इसके प्लेस पे r ले लेंगे क्योंकि 1 से जा रहा है। तो देयर फोर इसी टर्म को हम लिख सकते हैं 0 to infinity 1/2 r-1, या फिर r-1, हमें पहला टर्म क्या चाहिए, 1। तो जब पहला टर्म यहां पे 1 चाहिए तो एक काम कर लेते हैं, यहां पे हम r+1 भी लिख सकते हैं 0। ठीक है, तो ये हमारा समेशन हो जाएगा। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1-1/2 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो सिंपल इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, यहां पे हमने फ्रेड होल्म का इंटीग्रल रिजर्वमेंट कर्नल फाइंड किया, तो देयरफॉर ये हमारे पास बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है यहां पे, कि एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और ये, अब यहां पे डेरिवेटिव से हमें कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन में, यानी इसे इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट हम किसका यूज करेंगे, जो हमने फॉर्मूला लिखा था, यानी कि इस फॉर्मूला का हमें यूज करना है। अब ध्यान से सुन, गिवन दैट है कि y" + y = 0 है, तो अगर इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो ये तो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन का हो जाएगा, सिंगल इंटीग्रेशन, और ये y को इंटीग्रेट करेंगे 0 to x y of t dt। अब 0 to x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से लिखेंगे, तो इंटीग्रेट करने पे हमें ये मिल रहा है और यहां पे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम इसे फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये y - 0 to x 0 to x y of t dt + c1x + c2। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि अगर a टू x है और a टू x टू f(x1, dx1, dx2 है, तो यहां पे f ऑफ जाए d जाए और जो भी x है x माइनस जाए आ जाएगा। तो यहां पे सेम फॉर्मूला कि यहां पे x और यहां पे t के टर्म्स में, तो x-t और वहां पे f ऑफ जाए था तो यहां पे t है, इसके लिए y ऑफ t, क्योंकि f ऑफ जाए और y ऑफ, या तो हम f ऑफ x लिख सकते हैं या तो y ऑफ x, तो वहां पे f ऑफ जाए था तो यहां पे t है, इसके लिए y ऑफ t, और ये c1x और यहां पे कांस्टेंट c2, क्योंकि हम दो बार इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहां पे दो कांस्टेंट आएंगी। अब यहां पे इनिशियल कंडीशंस का यूज करना,
इनिशियल कंडीशन क्या है कि यहां पे जीरो पुट करेंगे तो आंसर वन आ रहा है, और उसके डेरिवेटिव में जीरो पुट करेंगे तो जीरो। तो यहां से जब हम वन पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन जीरो, और ये जीरो पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वन, यानी ये वन हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जीरो, ये पूरा पार्ट जीरो, और सी टू की वैल्यू आ जाएगी वन। तो देयर फोर हम सी टू के प्लेस पे क्या लिख सकते, वन लिख सकते। अब इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू ये गिवन है, ये हमारे पास डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव ये कह रहा है कि जब हम डेरिवेटिव पे जीरो पुट करेंगे तो जीरो आंसर, यानी कि इसका आंसर जीरो होगा और ये पूरी पार्ट जीरो, यानी कि सी वन की वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो देयर फोर सी वन तो जीरो हो गया, तो वाई ऑफ एक्स की वैल्यू ये, यानी कि माइनस जीरो सो एक्स, एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी, और ये तो पूरा पार्ट जीरो हो गया, सिर्फ सी टू, और सी टू की वैल्यू क्या थी, वन। तो वन माइनस ये आ रहा है, अगर इसे प्लस करना है तो एक्स माइनस टी को क्या लिख सकते हैं, टी माइनस एक्स, तो वही यहां पे लिखा है। तो देयर फोर जिसमें भी वन प्लस जीरो टू एक्स टी माइनस एक्स वाई ऑफ टी डी टी होगा वो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है, यानी कि टी माइनस एक्स जीरो टू एक्स और यहाँ पे प्लस साइन, मतलब बी सी डी ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें कर्नल एक्स वाई स्क्वायर है, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना, मतलब फाई ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो हमें कर्नल फाइंड करना होगा, तभी तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो सब सेम है, बस यहाँ पे कर्नल की वैल्यू फाइंड कर दें और कर्नल की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, और कर्नल हमें निकालने आता है। तो बाय यूजिंग आइटरेटेड मेथड, तो आइटरेटेड मेथड का यूज करके हम के एन एक्स वाई निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है एक्स वाई स्क्वायर अपॉन फोर एस टू एन माइनस वन। तो ये आप चेक कर सकते हो, पहले के वन निकालना है, के टू निकालना है, के थ्री निकालना है, इसी तरीके से के एन की वैल्यू ये आ रही है। अब रिजोल्वेंट कर्नल एट लैमडा हमारे पास क्या हो जाएगा, सबका समीशन, तो लैमडा इज टू एन माइनस वन एक्स वाई स्क्वायर फोर एस टू एन माइनस। अब अगर इसका समीशन कर रहे तो हमारे पास ये वैल्यू मिल रही है। अब लैमडा तो गिवन वन है, अगर हम यहां ध्यान से देखें तो हमारे पास लैम्डा कितना है, वन। तो देयर फोर अगर लैम्डा के प्लेस पे वन पुट करेंगे तो ये फोर माइनस वन कितना हो जाएगा, थ्री। तो फोर बाय थ्री एक्स वाई स्क्वायर, बस इसकी वैल्यू यहां उठा के पुट कर दो रिजोल्वेंट कर्नल के प्लेस पे, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन हो जाएगी। मतलब सिर्फ क्या करना था, रिजोल्वेंट कर्नल ही फाइंड करना था, और रिजोल्वेंट कर्नल का यूज करके हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया, बट यहां पे डायरेक्टली नहीं आ रहा है, यहां पे हमने आइटरेटर मेथड का यूज करके इसे सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 359, जो कि जून 2017 में आया था, कि फाइव ऑफ एक्स अगर इसका सॉल्यूशन है तो फाइव ऑफ वन की वैल्यू क्या होगी। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, खाली लेबनिट्स का रूल करके, बाय यूजिंग लेबनिट्स रूल वी हैव टू फाइंड द, हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास गिवन है, अगर इसे डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास वन आ जाएगा, और अगर हम लेबनिट्स रूल का यूज करेंगे, तो हमने लेबनिट्स रूल देखा था, ये देखो ये लेबनिट्स रूल है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है लेबनिट्स रूल। तो इस रूल का यूज करके हम किसी भी इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो, सिर्फ इसी को अप्लाई किया है बाकी कुछ नहीं। तो इसे अप्लाई करने पे तो हमारे पास आ रहा है ई जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी फाइव ऑफ टी डी टी, और ये वाली आ गई, बाकी ये टर्म तो जीरो है, जो इसका थर्ड वाला पार्ट होगा वो जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये वाली पार्ट बच रही। अब एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ई रेस टू जीरो, और ये फाइव ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू तो गिवन है एक्स, क्योंकि ये एज इट इज है, तो इसके प्लेस पे एक्स लिखेंगे, इसके प्लेस पे एक्स आ गया, और इसकी वैल्यू हो जाएगी फाइव ऑफ एक्स। तो देयर फोर वन पुट करेंगे तो यहां पे वन, वन माइनस वन कितना हो जाएगा जीरो, यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा जीरो। तो देयर फोर जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है कि इस इंटीग्रल इक्वेशंस के लिए हमें इसका आइटरेटेड कर्नल फाइंड करना है के थ्री एक्स टी। फिर से ये आइटरेटेड कर्नल का क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनो, ये हमारे पास वाई ऑफ एक्स गिवन है जिसमें लैम्डा की वैल्यू है वन, के एक्स ऑफ टी हमारे पास ये,
और जिसमें से के ऑफ एक्स टी की वैल्यू गिवन है कि ये 2 रेस टू x माइनस t है, तो देयर फोर के एन एक्स एक्स ऑफ टी कैसे निकालते हैं, कि एक्स वाई के एन माइनस वन वाई टी। तो देयर फोर अगर हम जब के एक्स वाई निकालेंगे तो के एक्स वाई के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 रेस टू x माइनस y, और यहां पे जो वाई टी लिखेंगे तो 2 रेस टू y माइनस t, तो देयर फोर वाई वाई कैंसिल और 2 रेस टू x माइनस t कॉमन आ जाएगा, और जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस टी। फिर ऐसे ही जब K3 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2 रेस टू x माइनस t माइनस 1 x माइनस t स्क्वायर। तो देयर फोर ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी A B D ऑप्शंस रॉन्ग है। यानी ये थे हमारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो कि इंटीग्रल इक्वेशन के थे, और इंटीग्रल इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे हम गेट की बात करें या CSIR नेट की। और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन, चाहे वो दिसंबर का एग्जाम हो चाहे जून का, हर साल पूछे जाते हैं। तो आप इसके जो इजी क्वेश्चन से वो एग्जाम में करके जा सकते हैं, क्योंकि वो काफी सिंपल्स होते हैं। जैसे हमने देखा रिजोल्वेंट कर्नल, तो रिजोल्वेंट कर्नल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, जो कि काफी लेबनिट्स रूल पे डिपेंड करते हैं। और एक तो जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, मतलब आपको 2-3 फॉर्मूले याद करने। इसके अलावा आपका ODE अगर थोड़ा अच्छा है तो देखो, एक तो COV और एक तो इंटीग्रल इक्वेशन। इसके लिए अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा है, थोड़ी डेरिवेटिव अच्छी है, तो आपके इसके क्वेश्चंस काफी इजी लगेंगे। सिर्फ आपको इसके 2-4 फॉर्मूले याद करने, जैसे वहां पे आपको सिर्फ क्या याद करना है, आयलर इक्वेशन। ऐसे यहाँ पे आपको रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड करने आना चाहिए और लेबनिट्स रूल वगैरह यूज करने आना चाहिए, तो आप इसके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी लेंदी होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर के लिए तो उसको अवॉइड करना है। ऐसे आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, बट अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।